Good evening, friends. मेरा नाम सिकंदर सिंह है और मैं कार्निवस रॉटवेलर्स का ओनर हूँ. मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं चंडीगढ़ पंचकुला में रह रहा हूँ सिंस माई चाइल्डहुड. मैं रॉटवेलर ब्रीड से सिंस 1995-94 से इन्वॉल्व हूँ. जब मेरे चाचा जी पहला रॉटवेलर लेकर आए थे इन द ईयर 94-95 में, तो तब से मैं रॉटवेलर्स के साथ एसोसिएटेड हूँ. मैं सिंस 95 अराउंड 27-30 रॉटवेलर्स टोटल अभी तक ब्रीड किए हैं, जिसमें से मैंने अराउंड 56-57 चैम्पियंस बनाए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स है अभी तक कंट्री में. एंड मैंने अभी तक 7-8 एक्सपोर्ट कर चुका हूँ और मैं KCI का लाइफ मेंबर हूँ. ऑल्सो एम अ फाउंडर मेंबर फॉर रॉटवेलर क्लब ऑफ इंडिया और पंचकूला केनल क्लब का भी फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी हूँ. जी, मैं आज आपके साथ रॉटवेलर्स के 10 इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस करूँगा, जो कि जनरल पब्लिक के लिए और नोवाइस पब्लिक के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बिफोर गेटिंग अ रॉटवेलर. जी, इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको अपने केनल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. हमने रॉटवेलर्स नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस करे थे इन द ईयर 94-95 में. हमारा पहले इम्पोर्ट थे जो मेरे पहले डॉग का नाम था जी, उसका नाम था टुगजेट वाल्डिग्नो, और जो फीमेल का नाम था उसका नाम था स्काउट टीमी. उसके बाद हमने जी बहुत इम्पोर्ट करे और 99 तक हम मोस्टली इम्पोर्ट में ही हमारा कॉन्सेंट्रेट रहा. फिर हमने जी एक पॉइंट के बाद डिसाइड किया कि भाई अब इम्पोर्ट बहुत हो गए हैं, इट्स टाइम टू स्टार्ट, हम अपने खुद की ब्रीडिंग अपनी स्टार्ट करें. और हमने, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि इन फ्रॉम 95 टिल डेट हमने अराउंड 25-30 फीमेल्स ब्रीड करी हैं, जिसमें से अराउंड 56-57 चैम्पियंस हमने बना लिए हैं. इंडिया में जी मेरा अकेला कैनल है जो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करता है. मैंने USA में एक्सपोर्ट किया है, कनाडा में एक्सपोर्ट किया है, श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया है, सऊदी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया है. और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक्सपोर्ट किया है, उन कंट्रीज़ में मेरे डॉग्स जीते भी हैं. मेरा इंडिया का अकेला ऐसे कैनल है जो ब्रेड इन इंडिया डॉग वर्ल्ड के टॉप यूरोपियन शोज़ में जिसने पार्ट लिया है और जीता है. अभी फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल से जी कॉन्टीन्यूसली मेरा कैनल नंबर 1 पोजीशन पे है इन रॉटवेलर्स, और वो मेरे इंपोर्ट डॉग्स के साथ नहीं, वो मेरे ब्रेड इन इंडिया डॉग्स के साथ ही है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1. ये वो क्वेश्चंस हैं जी जो यूजली डॉग खरीदने से पहले ऑलमोस्ट मोस्टली लोग सारे पूछते हैं. इज रॉटवेलर द राइट ब्रीड फॉर मी, मतलब क्या रॉटवेलर हमारे लिए सही ब्रीड है. देखिए, अगर आप डॉग को टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है, इसमें सिर्फ एक आदमी नहीं, आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए. अगर आप डॉग को टाइम दे सकते हैं, सुबह वॉक पे लेके जा सकते हैं, उसको शाम को टाइम दे सकते हैं और क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, फिर रॉटवेलर नहीं, आप कोई भी डॉग रख सकते हैं. बहुत मैंने लोग देखे हैं जो जिनके फैमिली में सिर्फ एक डॉग लवर होते हैं और मम्मी पापा घर के बाकी मेंबर्स डॉग लवर्स नहीं होते हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि एक पॉइंट के बाद वो बाद में अपना डॉग दे देते हैं. अगर तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, अगर आप ये लाइफ टाइम कमिटमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो सिर्फ रॉटवेलर नहीं, आप कोई भी ब्रीड रख सकते हैं. बट एवरी ब्रीड नीड्स टाइम, कोई भी डॉग हो उसको टाइम चाहिए, अगर आप वो दे सकते हैं, सो दिस इज़ द राइट ब्रीड फॉर यू. पॉइंट नंबर 2, इज़ रॉटवेलर फिट फॉर स्मॉल हाउसेज एंड फ्लैट्स. मतलब लोग की पूछते हैं जी कि रॉटवेलर असी छोटे घर या फ्लैट असी रख सकते हैं, तब बिल्कुल रख सकते हैं जी. ये मेरा जेड़ा सेकंड क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन नू समहाउ कोरिलेटेड हैगा. एज आई सेड कि अगर तुसी डॉग नू टाइम दे सकते हो, एक्सरसाइज दे सकते हो, वर्कआउट दे सकते हो, तो तुसी छोटे घर च भी रॉटवेलर तुसी रख सकते हो. यू कैन कीप दिस ब्रीड विद यू अगर तो तुसी अपना टाइम डिवोट कर सकते हो. पॉइंट नंबर 3, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, कि रॉटवेलर को कौन सी बीमारियों के ये प्रॉन होते हैं. देखिए, वैसे इनिशियल स्टेज जो होती है
40 डेज से लेके 4 महीने तक एक बड़ी कॉमन बीमारी है सीपीवी केनाइन पार्वो वायरस. इनसे डॉग को बचाना होता है. जब ये अपना 6 मंथ का टेन्योर पूरा कर लेते हैं ये फिर बड़ी हार्डी ब्रीड है, इनको इतनी जल्दी कोई बीमारी लगती नहीं है. दूसरी जो बीमारी इनको जेनेटिकली जो ये कैरी करते हैं वो होती है एक ईडी एल्बो डिस्प्लेसिया, एक होती है एचडी. बट इंडिया में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई अगर फादर में एचडी है तो पपी में भी जाएगी, और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है. इंडिया में मेजर इशू है एचडी और ईडी होने का एक लाइफस्टाइल. काफ़ी घरों में मैंने देखा है डॉग लोग खरीद लेते हैं, फ्लैट में रखते हैं, सैर नहीं कराते, केज में बैठा के रखते हैं, तो डॉग्स को फिर जॉइंट्स और हिप्स की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है. तो इंडिया में जेनेटिकली जेनेटिक प्रॉब्लम कम है, बट हेल्थ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम ज़्यादा है. तो अगर तो आप अच्छी वॉक करा रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज करा रहे हैं, अच्छा वर्कआउट करा रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अब एचडी क्या होता है? एचडी इज़ बेसिकली हिप से रिलेटेड होती है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और ईडी एल्बो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. इंडिया में सैडली इसका टेस्ट अभी होता नहीं है. फॉरेन कंट्रीज़ में तो 1 साल के बाद इसकी स्क्रीनिंग होती है, एक्सरे होता है, फिर डॉग्स की स्कोरिंग होती है. उसमें देखते हैं कि भाई डॉग में एचडी की प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो कितने लिमिट तक है, अगर नहीं है तो वो कितने लिमिट तक नहीं है, ये चीज़ें देखी जाती हैं. बट वो अभी वो फैसिलिटी इंडिया में सैडली अभी है नहीं, तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते. बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे मेरे कैनल में लास्ट 10-12 साल से कोई एचडी की प्रॉब्लम ईडी की प्रॉब्लम नहीं है. और एज आई सेड कि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादा है. अगर अच्छा वर्कआउट रखोगे, अच्छा भगाओगे दौड़ाओगे, अच्छा डॉग को एटमॉस्फेयर दोगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं है करोगी. पॉइंट 5, ये लोग मेरे से जी काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि फीमेल ब्रीड करते हैं और कंसीव नहीं करती, या दूसरा कि उनका जब हीट का पीरियड होता है कि 2 दिन ब्लीडिंग हुई फिर उसके बाद ब्लीडिंग नहीं हुई. तो देखो, फीमेल कंसीव ना करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, 5-6 रीजंस होते हैं, बट हम कुछ फ्यू इम्पोर्टेंट रीजंस डिस्कस करेंगे. पहला कि फीमेल को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिला या नहीं मिला. दूसरा कि वो राइट एज में राइट टाइम पे ब्रीड हुई है या नहीं हुई है. जनरली ब्रीडर्स क्या गलती करते हैं, जिस दिन फीमेल की हीट देखते हैं या ब्लीडिंग देखते हैं तो उसको day 1 काउंट करते हैं कि आज पहला दिन है, विच इज़ रॉन्ग. एक्चुअली day 1 होता है नेक्स्ट डे से स्टार्ट, वो दिन 0 होता है. तो नेक्स्ट डे से अगर हम कैलकुलेट करें तो 11वें दिन पे हम जाके ब्रीडिंग करते हैं, बट लोग टेक्निकली चले जाते हैं 10वें दिन पे ब्रीड करना. दूसरा पॉइंट ये है, जो लार्ज ब्रीड्स होती हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है 11वें दिन पे ही मीटिंग करवाते हैं, जो कि नहीं करवानी चाहिए. मेरे ओपिनियन में लार्ज ब्रीड की मीटिंग होती है एक तो 13th डे पे और दूसरी 15th डे पे, और उस पीरियड में आपके कंसीविंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. मोस्टली लोगों को मैंने ब्रीडर्स या यंगस्टर्स को देखा है, जब उनके फीमेल सीजन पे आते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार फटाफट मेट करवाएं, कहीं लेट तो नहीं हो गया, और वो एक्साइटमेंट में रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं. और आजकल एक नई चीज़ आई है, प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट. सारे प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट करवाते हैं, और मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत एक्सपीरियंस किया कि प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट के बाद भी फीमेल्स कंसीव नहीं करते हैं. तो मेरा क्वेश्चन तो ये है जी, आज से 10-15 साल पहले तो कोई प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट नहीं होता था, ब्रीडिंग तब भी होती थी और फीमेल्स तब भी कंसीव करते थे. तो आजकल तो इतना फ्रीक्वेंट हो गया कि फीमेल हीट पे आई, डॉक्टर के पास 4th दिन चले जाते हैं, और 8वें डेज पे कई बार 9वें दिन पे डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ भाई इसका टाइम पूरा है, जाके मेट करा लो. आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट एट ऑल, बट हमारे को थोड़ा डिसीजन वाइजली लेना बनता है. अगर तो आपके घर में खुद के घर में डॉग है, तो जो आपका वो जो डॉग है वो खुद ही 12वें-13वें दिन में ओवर एक्साइटेड हो जाएगा, पागल हो जाएगा कि मेरे को मीटिंग करनी है, खाना पीना छोड़ देगा. तो दिस इज़ राइट टाइम कि आपको पता चल जाना चाहिए हाँ मेरा अब राइट टाइम है. दूसरा कि आप 11th डे या 10th डे पे ना मीटिंग करवा के 13th और 15th डे पे मीटिंग करवाइए, तो आपके कंसीविंग के चांसेस आपके डॉग के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे.
इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा रीजंस होती है. अगर आपके कॉन्स्टेंटली फीमेल कंसीव नहीं कर रही है तो या तो फिर वो बहुत ज़्यादा ओबीज है, या तो उसमें कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है, या तो कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है. वो सारी डिस्कशंस फर्दर आपको अपने वेटनरी डॉक्टर के साथ आपकी बनती है. बट जो जनरल है, जनरल अगर हेल्दी फीमेल कंसीव नहीं कर रही है, अगर आपका जो मेल है वो भी स्टड प्रूफ है, अच्छी ब्रीडिंग, उसके भी ऑफस्प्रिंग पपीज हो रहे हैं, तो फिर आपको ये दो तीन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, मे बी ये आपको हेल्पफुल हो. पॉइंट नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन पपी मिल एंड ब्रीडर. काफ़ी लोग पूछते हैं ये ब्रीडर और पपी मिल में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, पहले मैं आपको ब्रीडर के बारे में बताना चाहूँगा. ब्रीडर वो है जो जिसके पास फीमेल डॉग और मेल डॉग दोनों हैं और वो काफ़ी सालों से ब्रीड में इन्वॉल्व है, जो काफ़ी टाइम से हर शोज़ अटेंड कर रहा है, डिफरेंट शोज़ में जा रहा है और अपना जो स्टैंडर्ड है डॉग्स का वो इम्प्रूव कर रही जा रहा है विद टाइम टू टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रॉटवाइलर ही लेना चाहते हो, अगर आप किसी रॉटवाइलर के पास जाते हो तो उसके पास सिर्फ रॉटवाइलर ही होगा. आप उसको कहोगे जर्मन शेपर्ड है, बॉक्सर है, लैब्राडोर है, अगर वो सारी ब्रीड में हाँ करता है तो दैट इज़ अ पपी मिल. ठीक है, अब पपी मिल कौन होते हैं? मोस्टली मिडलमैन, ब्रोकर्स, पेट शॉप ओनर्स, ये जो इधर उधर से आपको डॉग उठा के देते हैं, एक एक दो दो हज़ार 500 रुपये के मार्जिन में भी आपको इधर उधर से डॉग उठा के दे देते हैं, वो होते हैं पपी मिल्स. अब इनसे कैसे बचना होता है? अगर कल को आपको कोई डॉग लेना है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप रिसर्च करो, उस पर काम करो. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डॉग लेना है तो आप ओवरनाइट ही आपने किसी को मिल लिया और डॉग ले लिया. आप वेट करो, इंटरनेट पे सर्च करो, डॉग शोज़ इफ़ पॉसिबल है डॉग शोज़ जाके विजिट करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रीडर और अ पपी मिल. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेट में, आजकल इंटरनेट में बड़ा कॉमन हो गया कि OLX में आप देख लो, YouTube में इतनी वीडियोज़ आ गई हैं, कोई पेट शॉप ओनर आपको एक वीडियो में लैब्राडोर दिखा रहा है, दूसरे वीडियो में जर्मन शेपर्ड दिखा रहा है, तीसरे वीडियो में आपको बॉक्सर दिखा रहा है, तो ही इज़ नॉट अ ब्रीडर. वो सिंपली इधर उधर से उठा के आपको पपी बेच रहा है और अपने एक सर्टन अमाउंट के प्रॉफिट बना के आपको वो डॉग दे रहा है. हालाँकि वो डॉग ना उसने ब्रीड किया है, ना वो डॉग देने के बाद उसको आपको कोई क्वालिटी की गारंटी देता है. वो पहले आपको जितनी मर्जी प्रोमिसेस कर दे, लेकिन बाद में आप डिसअपॉइंट ही हो गए. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पपी मिल एंड ब्रीडर. पॉइंट नंबर 7, व्हाट्स द राइट टाइम ऑफ बाइंग अ पपी, कि सही एज पपी को लेने की क्या होती है. मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन में जी, पपी को लेने की राइट एज होती है आफ्टर द फर्स्ट वैक्सीनेशन. जब पहला वैक्सीनेशन लग जाता है, उसके 5 से 7 दिन की वेटिंग पीरियड के बाद आपको पपी आप पिक कर सकते हो, और वो होती है रफली अराउंड 50 डेज, क्योंकि 40 डेज पे पहली वैक्सीनेशन होती है, फिर उससे 5 से 10 दिन का आप गैप दे दो, 50 डेज का पपीज़ आप ले सकते हो. क्यों? बिकॉज़ काफ़ी लोग कहते हैं कि पपी को मदर के पास 60 डेज तक होना चाहिए, 70 डेज तक होना चाहिए, जो कि ट्रू नहीं है. मदर पपीज को फीड करती है, जो इफ़ेक्टिव टाइम होता है वो होता है 15 to 25 days. 25 डेज़ के बाद पपी मदर का जो मिल्क होता है वो पपी के लिए सुपर इफ़ेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज पपीज़ को फिर सॉलिड डाइट चाहिए होती है. अब वाइल्ड में क्या होता है, आपने हम काफ़ी ब्रीडर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार फीमेल्स क्या करती हैं, खाना खाती हैं और पपीज़ के सामने वॉमिट कर देती हैं, तो वो पपी की डाइट होती है. लेकिन हम एज ए ब्रीडर हम ये अलाउ नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, हम 25 डेज़ के बाद पपीज़ को सेपरेट रखना स्टार्ट कर देते हैं और सॉलिड डाइट देना स्टार्ट कर देते हैं. मेरी तो मदर की तो आदत होती है, वो 2 घंटे के बाद भी पपीज़ के आगे आके वॉमिट कर देंगे, जो नेचुरल है. सो आफ्टर 25 डेज़ मदर्स मिल्क इज़ नॉट सफिशेंट, बट उनकी इम्यूनिटी तो होती है, बट वो सफिशेंट नहीं होती है पपी के लिए, क्योंकि इनके दांत निकल आते हैं. सो बाय द टाइम वो 35-40 डेज़ के होते हैं, पपीज़ तो प्रॉपरली होम डाइट पे होते हैं, और 50 डेज़ इज़ द राइट टाइम. 40 डेज़ के बाद तो हम पपीज़ को सेपरेट ही कर देते हैं मदर से. सो 50 डेज़ इज़ द राइट टाइम. अब 50 डेज़ के बाद पपीज़ आप कभी भी ले सकते हैं. पॉइंट नंबर 8, डीवर्मिंग एंड वैक्सीनेशन राइट एज, कि भाई पपी की राइट एज डीवर्मिंग और वैक्सीनेशन की क्या होती है. देखिए, हर ब्रीडर का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, तो
वो उसी को फॉलो करता है. मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं पहली जो डीवर्मिंग करता हूँ आई डू इट एट अराउंड 30 डेज, और जो मैं दूसरी डीवर्मिंग करता हूँ मैं 40 डेज पे करता हूँ, फिर मैं डॉग को वैक्सीनेशन करता हूँ. मैं पपी डीपी का वैक्सीन नहीं लगाता, मैं सीधा 7-in-1 या 9-in-1 का लगाता हूँ एट 40 डेज. तो हर ब्रीडर का डिफरेंट है, कई ब्रीडर्स पपी डीपी भी लगाते हैं और फिर 7-in-1, 9-in-1 भी लगाते हैं 40 डेज पे. मैं नहीं लगाता हूँ, मैं सीधा 40 डेज पे 9-in-1 का इंजेक्शन लगाता हूँ. तो वो डिफर करता है ब्रीडर टू ब्रीडर, और दोनों ही करेक्ट है. सो यू कैन फॉलो ईदर ऑफ द प्रैक्टिस. पॉइंट नंबर 9, इज रॉटवाइलर एग्रेसिव ब्रीड, येस और नो, कि रॉटवाइलर एक एग्रेसिव ब्रीड है या नहीं है. देखो, मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा. काफ़ी जो लोग हैं वो रॉटवाइलर को एग्रेशन से कंफ्यूज कर लेते हैं, पावरफुल और एग्रेशन से. रॉटवाइलर इज़ अ पावरफुल ब्रीड, ये पावरफुल ब्रीड है लेकिन एग्रेसिव नहीं है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक रास्ते में माइक टाइसन जा रहा है, वो एक बॉक्सर है, सबको पता है ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉक्सर, और जो भी उसके आमने सामने आ रहा है वो माइक टाइसन को चैलेंज कर रहा है. और माइक टाइसन को पता है कि मैं इस आम आदमी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने एक मुक्का मार दिया तो वो मोस्ट प्रोबेबली मर जाएगा. तो वो सेम जो करेक्टर होता है वो एक रॉटवेलर का होता है. रॉटवेलर इज़ ए वेरी कॉन्फिडेंट ब्रीड, ये अननेसेसरी किसी को काटती नहीं, पीटती नहीं और एग्रेसिव नहीं होती है. तो सेम वे में जो दूसरे डॉग्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे डॉग्स हो गए, स्पिट्स हो गए, जर्मन शेपर्ड्स हो गए, ये बड़े एग्रेसिव होते हैं, ये अननेसेसरी बाग करते रहते हैं, ये अपना कॉन्फिडेंस प्रेजेंस करते हैं कि देखो जी हम स्टैंड करते हैं ग्राउंड. लेकिन रॉटवाइलर में ऐसा नहीं है. तो लोग समझते हैं कि भाई रॉटवाइलर एग्रेसिव, क्योंकि अगर रॉटवाइलर किसी को काट लेता है या किसी को पकड़ लेता है तो वो प्रॉबेबली वो ज़्यादा डैमेज करेगा एक जर्मन शेपर्ड से, बिकॉज इसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होती है. इस करके रॉटवेलर्स कुछ कंट्रीज़ में बदनाम हो गए हैं. और उसका भी जो मेन रीज़न है वो है ओनर्स, क्योंकि आपको करेक्ट सोशलाइजेशन, करेक्ट ट्रेनिंग, किस ब्रीडर से आपका डॉग आ रहा है, ये सारे चीज़ें को कंबाइन करके एक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ब्रीड. तो अगर आप सोचते हैं कि रॉटवेलर इज़ अ एग्रेसिव ब्रीड, नो, रॉटवेलर इज़ अ वेरी लॉयल ब्रीड, इज़ अ वेरी लविंग ब्रीड और इज़ अ पावरफुल ब्रीड, बट नॉट एन एग्रेसिव ब्रीड. जी, आजकल ट्रेंड चला है पंच फेस का. मैंने देखा है काफ़ी लोग, इवन द बायर्स और काफ़ी ब्रीडर्स, मतलब सीनियर ब्रीडर्स, मुझे बोलने में शर्म आ रही है, बट काफ़ी सीनियर ब्रीडर्स, ये पंच फेस का ट्रेंड चला है कि भाई पंच फेस वाला पपी चाहिए, पंच फेस वाला पपी बेच रहे हैं. देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर ब्रीड एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए ब्रीड करी है. और हमको जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है हमको उसके बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है. एज़ पर द ब्रीड स्टैंडर्ड, जो रॉटवाइलर की किताब, जो रॉटवाइलर की बाइबल है, रॉटवाइलर का जो हेड मज़ल होता है वो 60-40 की रेशियो में होता है, कि मतलब 60% हेड, 40% रेशियो. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि रॉटवाइलर को बिल्कुल ही बॉक्सर जैसे और पिग जैसे बनाने में लगे हुए हैं, बेसिकली पिग. मेरे को समझ जो आती है, जो मेरे लिए करेक्ट वर्ड है वो है पिग फेस, बट लोग उसको पंच फेस बोलते हैं. जब मेरे को स्टार्टिंग में लोग फ़ोन करते थे पंच फेस है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता था पंच फेस क्या होता है. मुक्का मारना होता है डॉग के, या फिर बाद में अच्छा समझ आएगी अतः जो शॉर्ट स्नाउटेड मांग रहे हैं. शॉर्ट स्नाउटेड एक फॉल्टी रॉटवाइलर है. उसमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज आते हैं, एक तो बाइट ख़राब हो जाती है. अगर आपको डॉग शो में लेके जाना है तो डेफिनेटली आप डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाओगे, बिकॉज एक फॉल्टी बाइट है. दूसरा, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है कि अगर डॉग भागेगा दौड़ेगा तो उसको ऑक्सीजन गैस की प्रॉब्लम आएगी, उतना ही बड़ा उसको मुंह खोलना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम बॉक्सर्स में आती है. आपने नोटिस किया होगा कि जो शॉर्ट स्नाउटेड ब्रीड होती है, कई बार फ्लाइट में जा रही है, हार्ट अटैक हो जाता है डॉग शो में, या कहीं भाग दौड़ रहे हैं ग्राउंड में, शॉर्ट स्नाउट की वजह से चोक हो जाते हैं और मर जाते हैं. और रॉटवाइलर एक ऐसी ब्रीड है जो इतनी ईजिली चोक नहीं होती है. लेकिन आप रॉटवाइलर का अगर बॉक्सर बना दोगे, सुपर शॉर्ट स्नाउट के पीछे जा ही जाओगे, तो आप इस ब्रीड को टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो रॉटवाइलर जो है एक शॉर्ट स्नाउटेड ब्रीड नहीं है, इसको एज़ पर द ब्रीड स्टैंडर्ड ही लेना चाहिए. अच्छे स्ट्रॉन्ग हेड, स्ट्रॉन्ग बोन, इसको फॉलो करो. बट पिग फेस, पिग अपना सॉरी ये पंच फेस कोई वर्ड ही नहीं है.
जब आप रॉटवेलर के बारे में ब्रीड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ोगे या गूगल में सिंपल लिख लो, अगर आपको इंटरनेट में पढ़ना है कि रॉटवेलर का हेड मजल कैसा होता है, उसमें आपको सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। फॉर मी देर इज़ नो सच थिंग एज पिग फेस। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू थैंक टीम स्कूबर्स जो इतनी दूर से आए, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और काफ़ी टाइम स्पेंड करा, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और ये बड़ा इंफॉर्मेटिव चैनल है, ये हर इम्पॉर्टेंट और अच्छे ब्रीडर्स के घर में जाके उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं और जनरल पब्लिक को एक अच्छा मैसेज जा रहा है। और जनरल पब्लिक के लिए बड़ा इजी हो गया है कि कल को अगर किसी भी ब्रीड का डॉग लेना है तो वो एक बार आजकल स्कूबर्स चैनल को ज़रूर विज़िट करते हैं। सो दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब देयर चैनल एंड थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।